उदयपुर में बुधवार को बारिश के दौरान बाढ़ में टापू पर फंसे लोगों को निकालने के लिए सिविल डिफेंस और SDRF व NDRF की टीम ने इंडियन आर्मी के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल की। यह मॉक ड्रिल फतेह सागर पर की गई, जिसमें बाढ़ के दौरान टापुओं पर फंसे लोगों की जान कैसे बचाई जा सके, साथ ही पर्यटन स्थल पर नाव के पलटने के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का लाइव डेमो भी दिया। वहीं हादसों के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह, 30 ब्रिगेड के कमांडर विशाल नायर, 30 राजरिफ के कर्नल रविंद्र अहलावत व लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे।